मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, मिसलेनियस के तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अब ये सोचो कि आप लोगों ने चैप्टर बहुत अच्छे से किया, फिर भी इस क्वेश्चन का एक्चुअली मीनिंग ही समझ नहीं आ रहा। तो मिसलेनियस के क्वेश्चन की सबसे बड़ी दिक्कत तो ये कि बच्चों को मीनिंग ही समझ नहीं आ रहा, फिर सॉल्व क्या ही करेंगे। तो चलो पहले तो इसका मतलब समझते हैं, पहले इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ कराता हूँ, फिर जनरल प्रूफ करेंगे। ठीक, क्या कह रहा है, कह रहा है लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट ए, सेट ए के साथ एक रिलेशन है ऑफ ऑर्डर पेयर्स पॉजिटिव इंटीजर्स डिफाइंड बाय दिस और दिस। अब देखो क्या कह रहा है, एक्चुअली में बकवासगिरी कर रहे हैं, लैंग्वेज और टफ है, एक सुनो। एक रिलेशन है, सपोज एक एलिमेंट है ए, एलिमेंट का सेट है, उसके अंदर दो एलिमेंट है। अब कह रहा है कि आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट ए। अच्छा, रिलेशन के लिए कितने सेट चाहिए होते हैं, दो, दो सेट चाहिए होते हैं। तो दूसरा सेट क्या, जब कुछ नहीं बोला जाता दूसरा सेट भी ए ही हम लोग लेट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में, तो चलो सबसे पहले ए क्रॉस ए निकालो, तो क्या आएगा, वन कॉमा वन, वन कॉमा टू। अब आप कह रहे सर आपने ये क्यों निकाला, यहाँ तो कहीं बोला ही नहीं गया। मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक चीज़ समझा रहा हूँ, कह रहे हैं जो रिलेशन है ना वो सेट ए के साथ ऑर्डर्ड पेयर के साथ है। अब ऑर्डर्ड पेयर कब आते हैं रिलेशन में, रिलेशन आपको पता है ना फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था, वो सेकेंड चैप्टर में इलेवेंथ क्लास में, जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, अब यहाँ दूसरा सेट भी यार ए ही है, ए क्रॉस ए ले लिया, तो रिलेशन है वो इन्हीं से ही तो निकल के आएगा। ठीक, और वो रिलेशन कैसा है, और वो रिलेशन कैसा है कि आपने दो ऑर्डर्ड पेयर लिए हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर ये रहा और एक ऑर्डर्ड पेयर ये रहा, और इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर लेने आपको कि एक्स वी का मल्टीप्लाई किया जाए और वाई यू का मल्टीप्लाई किया जाए तो बराबर आ जाए। अगर आप ऐसे ऑर्डर्ड पेयर छांट लेते हैं, ठीक है, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट से, तो जो रिलेशन आएगा वो इक्विवेलेंस होगा। ये प्रूफ करना है आपको। तो सबसे पहले मैंने ए क्रॉस ए क्यों निकाला इसको समझ लो, क्योंकि भाई यहाँ पे बोला गया था ऑर्डर्ड पेयर्स, और ऑर्डर्ड पेयर कब आते हैं सेट के, जब सेट का सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो अब हमको रिलेशन बनाना, रिलेशन कैसा चेक करना है कि कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर जिनका फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई और टू और थर्ड का मल्टीप्लाई हमेशा बराबर आए, चेक करो। अब जैसे सपोज मैं इन दो को लेता हूँ, तो वन का मल्टीप्लाई टू के साथ टू, वन का वन के साथ वन, नहीं बात बनी। अब इसका इसके साथ करो, वन का वन के साथ, नहीं बात बनी। अब इसका इसके साथ करो, वन का टू के साथ, टू का वन के साथ, बात बन गई भाई साहब। तो मैंने क्या लिख दिया, वन कॉमा वन और टू कॉमा टू, और देखो कुछ नहीं बना, केवल इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से यही दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब आप बताओ क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है, बिल्कुल है। इस सेट के अंदर दो एलिमेंट थे वन और टू, तो वन कॉमा वन, टू कॉमा टू, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक, वन कॉमा वन का उल्टा वन कॉमा वन, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव, वन पे खत्म है, वन से कोई स्टार्ट नहीं है, तो बाई डिफॉल्ट ये क्या है, ट्रांजिटिव। तो ये प्रूफ करना है। अभी तो ये मैंने केवल एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाई है। क्यों एग्जांपल इसलिए दिया, बच्चे लोग इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ नहीं पाते एक्चुअली में, तो अब कुछ नहीं है, कंसेप्ट समझ ही थे, क्वेश्चन बोल के डस्टर्ब हो गया यार। ठीक, अब देखो इसका प्रूफ कैसे कर, अब तो बच्चों वाला प्रूफ है। अब देखो, अब यहाँ बात आ रही है ऑर्डर्ड पेयर की, तो आपको ऑर्डर्ड पेयर लेड करना पड़ेगा। देखिए यहां लिखो फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, इसमें ठीक है, चलो छोड़ो। अब इसमें क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, क्योंकि ए क्रॉस ए की बात हो रही, तो अब एक ऑर्डर्ड पेयर को लेट करना पड़ेगा। मैंने ए कॉमा बी, एक मैंने क्या किया, ऑर्डर्ड पेयर को लेट कर लिया। अब एक बात सुनो, मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर को लेट कर लिया, ठीक है भैया। अच्छा, अब ऑर्डर्ड पेयर ऐसा होना चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करो। रिफ्लेक्सिव में होता क्या है, अगर आपको याद आ रहा हो, अगर ए किसी सेट में है तो ए कॉमा ए उस रिलेशन में होना चाहिए था, सही था ना। तो अब आप एक पूरे ए को ये कंसीडर कर लो, यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर को एक एलिमेंट माना जाएगा, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे ए कॉमा बी, और रिलेशन कौन सा इनके बीच में, आर ए कॉमा बी, हम ए कॉमा बी का ए कॉमा बी के साथ ही निकालेंगे, क्योंकि क्या होता था ए कॉमा ए उस एलिमेंट्स का उसी एलिमेंट्स के साथ, बट यहाँ जो एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर है, क्योंकि ए क्रॉस ए की बात कर रहे हैं। जैसे एक बात सुनो, एक सेट है वन टू, तो वन और टू क्या है, एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ ए क्रॉस ए है, मान लो वन कॉमा टू है या टू कॉमा थ्री है, अब ये पूरा एक एलिमेंट है,
ठीक है ना। अब चेक करो, ए का मल्टीप्लाई बी के साथ ए बी और बी का इसके साथ, सही बात है भाई, ये तो बराबर है, ए बी बराबर बी होता है। कहाँ पढ़ा है? लॉज ऑफ कम्यूटेटिव पढ़ा है ना, कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है ना हम लोगों ने। क्या कहता था कि ए बी इंटू बी ए बराबर होते हैं, तो ए बी बराबर बी आए मतलब सो इट इज रिफ्लेक्सिव। तो ये हमारा क्या होगा भैया? रिफ्लेक्सिव। चलो अब आ जाओ फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता था, एक को लेट करेंगे और दूसरे को प्रूफ करेंगे। फॉर अब देखो सिमेट्रिक में क्या था, आपको याद आ रहा होगा कि ए कॉमा बी उस रिलेशन में है ऐसा लेट कर लेते थे, फिर बी कॉमा ए दिखाते थे। तो एक एक क्या है, एलिमेंट है, तो यहाँ पे एलिमेंट हमने क्या ले लिया, ए कॉमा बी पूरा एक एलिमेंट है और उसका रिलेशन है मान लो सी कॉमा डी के साथ, ये हमने लेट कर लिया है। यस और नो? आप समझो यहाँ पे बात एक ऑर्डर्ड पेयर की हो रही है, तो एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर माना जाएगा। तो हमने ए कॉमा बी रिलेटेड सी कॉमा डी से ऐसा हमने लेट कर लिया। अब प्रूफ करना क्या है कि सी कॉमा डी रिलेशन ए कॉमा बी से, ये तुमको भैया लेट प्रूफ करना, हमने ये लेट कर लिया था। अब आ जाओ ए का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? डी के साथ। बी का किसके साथ होगा? सी के साथ। कोई भी दिक्कत नहीं, अब यहीं से लॉजिक है भैया, देखो समझेंगे। क्या ए डी बराबर बी सी है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बी सी बराबर ए डी, ऐसे लिख सकता हूँ? आगे पीछे लिख दिया टू, जैसे एक्स बराबर टू है या टू बराबर एक्स, बात तो एक ही है। अब हमारा टारगेट क्या, सुनो अब समझना, ये अगर ए कॉमा बी हमने लेट किया है तो टारगेट क्या है कि बी कॉमा ए को दिखा दें सी के अंदर है, यस और नो? तो हमारा टारगेट क्या, हम यही तो दिखाना चाह रहे हैं कि सी डी का रिलेशन हो जाए ए कॉमा बी से, यही तो दिखाना चाह रहे हैं, मतलब सी बी बराबर डी ए, यही तो हमको प्रूफ करना है। तो सी बी बराबर डी, अब देखते हैं, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो रहा है भाई साहब, ये तो बी डी हो रहा है और बी डी तो हमें लाना नहीं है, समझ रहे ना? हमको क्या लेके आना है, सी बी और डी ए। अब एक जुगाड़बाजी करो, क्या इस सी बी को, क्या इस बी सी को सी बी लिख सकते हैं भैया? एक ही तो बात है। अब चेक करो इसका मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है? डी के साथ। फिर भी भैया बात नहीं बन रही है, अब क्या किया जाए? तो यही चीज़, इसीलिए मैंने पहले से ही ला के ये चीज़ रख दी है कि हमको लाना तो अल्टीमेटली यही है, क्लियर है? तब देखो भैया कैसे बनेगा, जुगाड़बाजी हम करेंगे। तब देखो ए का मल्टीप्लाई डी के साथ ए डी बराबर बी सी, ये तो हो गया, और ये हमारे पास गिवन है, ये चीज़ हमारे पास क्या डियर गिवन है, इसका हमको यूज़ करना है। अब ए डी को डी ए लिख सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक होगा, और बी सी बराबर डी ए। अब चेक करो कुछ बात बनी, ए कॉमा बी है ना, ये सी बी बराबर डी ए, हमारा सी बी बराबर डी ए हो गया, हम लोग उसी में देख रहे हैं, तो सी बी बराबर डी ए हो गया। अगर सी बी बराबर डी ए हो गया तो क्या हम इसका मतलब ये लिख सकते हैं, सी डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी, यस और नो? नहीं बात समझ आई? ये देखो लॉजिकल है, इसीलिए मिसलेनियस भाई साहब ये गिवन है। तो अगर ऐसा है सो इट इज सिमेट्रिक, और ट्रांजिटिव में तो और मजा आने वाला है। अब समझो क्या, ए कॉमा बी का रिलेशन सी कॉमा डी से लेट किया और सॉल्व करने के बाद दिखा दिया सी कॉमा डी का रिलेशन भी ए कॉमा बी से है, क्लियर है? अब आ जाओ फॉर ट्रांजिटिव, कोई दिक्कत हो रही क्या बताओ? नहीं बताओ यार, कुछ लग रहा है क्या? देखो थोड़े लॉजिकल थे बट करने पड़ेंगे यार। फॉर अब आ जाओ ट्रांजिट, इसमें दो दो बार लेट करते हैं, क्या याद आ रहा है कि ए कॉमा बी बिलोंग करता है उस रिलेशन से और बी कॉमा सी बिलोंग करता है उस रिलेशन से, फिर हम चेक करेंगे कि ए कॉमा सी बिलोंग करेगा उस रिलेशन, यही तो था। अब ए यहाँ पे एलिमेंट है बट यहाँ पे क्या होगा, एक ऑर्डर्ड पेयर, तो ए की जगह क्या लिखे मालूम है, ए कॉमा बी का जो रिलेशन है वो हमने किसके साथ ले लिया, सी कॉमा डी के साथ, एंड सी कॉमा डी का रिलेशन हमने ले लिया ई कॉमा एफ के साथ, ठीक है? चलो भाई इसका मतलब इसके साथ ए डी इज इक्वल्स टू बी सी एंड सी एफ इज इक्वल्स टू, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई। अच्छा प्रूफ करना क्या है कि ए कॉमा बी का किसके साथ हो जाए, ए कॉमा बी का रिलेशन किसके साथ हो जाए, मतलब वो क्या प्रूफ करना, ए एफ इक्वल्स टू बी ई
ये तो प्रूव करना, ये दिमाग में लेके चलो। चलिए अब ऐसा करते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं इनका मल्टीप्लाई? तो इक्वेशन वन ये है, इक्वेशन टू ये। जब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू का जब मल्टीप्लाई होगा तो LHS का मल्टीप्लाई, LHS से RHS का, तो AD का उल्टी CF के साथ, तो ADCF और BC का मल्टीप्लाई DE के साथ। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है भाई साहब, कुछ कैंसिल ज़रूर होगा। क्या कैंसिल हो रहा है? सी और डी। ए एफ इज इक्वल टू आ गया, ए एफ इक्वल टू अगर बी है तो इसका मतलब क्या, ए कॉमा बी का जो रिलेशन है भाई साहब वो किससे, ए कॉमा एफ से, सो इट इज, मतलब ये है लॉजिक नहीं, बस यहाँ पे एक एलिमेंट था, उस एलिमेंट को एक ऑर्डर्ड पेयर को लेट कर लो, बस इतना ही है इसमें। क्लियर? तो भैया देखो कर लो यार, क्योंकि 5-5 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे अगर ये आए मिसलेनियस में, और अब तो वैसे भी सिलेबस बहुत कम हो गया तुम्हारा। कोई डाउट है तो बताइए। सिमेट्रिक, देखो ये कह रहे हैं सिमेट्रिक में क्या होता है कि हमने ए कॉमा बी बिलोंग किया है रिलेशन आर में, ऐसा लेट कर लिया। अब प्रूफ करेंगे उसका उल्टा कि बी कॉमा ए है उसमें है या नहीं है। तो ए कॉमा बी का रिलेशन सी कॉमा डी से ऐसा हमने लेट कर लिया, जब लेट कर लिया तो ए डी और बी सी ये बराबर हो गए हमारे। अब इनको हम क्या करते हैं कि आगे पीछे लिख सकते हैं, ए डी था उसे डी ए लिख दिया, बी सी को हमने ऐसे ही रहने दिया। अच्छा, और डी ए बराबर बी सी या बी सी बराबर डी ए, बात तो ये कि अब देखो बी सी बराबर डी ए हमको लाना क्या था, इसका उल्टा। तो सी डी का रिलेशन ए बी से, तो सी का मल्टीप्लाई बी के साथ क्या हो गया सी बी, और ए का मल्टीप्लाई डी के साथ क्या हो गया ए डी आ गया बराबर। तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं। क्लियर है? ये बस लॉजिक है इसको आगे पीछे करने का, और कोई ऐसी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, अब देख लो कोई डाउट है तो। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन